खूबसूरत एक्साइटिंग एंटरटेनिंग माहौल। तो यहाँ पे एक पुलिस मेला चल रहा है और एक एग्जीबिशन डिस्प्ले की गई है, तो आपने जो पेंटिंग बनाई है तो आप उसके बारे में हमें बताइए कि आप पेंटिंग का थीम क्या है। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि पुलिस मेला ने ये ऑर्गेनाइज करवाया और जैकपास का कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवा के हम लोगों को यहाँ पे स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया और हम लोगों ने यहाँ पे अपनी बहुत सारी पेंटिंग्स डिस्प्ले की है। हाफ ऑफ द पेंटिंग्स आर ऑन ड्रग्स एंड रेस्ट हाफ जो मैंने अपने मतलब पेंटिंग्स की है ड्रग्स पे, यहाँ पे पेंटिंग्स देख रहे हैं, तो जो हमें न्यू जनरेशन है क्या उस पर उसका प्रभाव पड़ता है, कोई इफेक्ट पड़ता है देखने के बाद थोड़ा सा? इस टाइम पे ड्रग्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है हमारी जो आने वाले यंगस्टर्स हैं उन सब पे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फैमिली पे ग्रुप्स फ्रेंड सर्कल की इन सबको ना हाईलाइट किया जाए और ये सब नहीं होना चाहिए। समझता हूँ इस किस्म के इनिशिएटिव और लेने चाहिए जिससे हमारे खासकर जो युवा पीढ़ी है उनको हम ये मैसेज दे सकें कि ड्रग्स जो हैं हार्मफुल हैं सोसाइटी के लिए, सेहत के लिए, और इस मैसेज को जो बच्चे हैं उनकी हर घरों में जा पहुँचेंगे और जो इम्प्रेशनेबल एज होती है बच्चों की उनको आकर्षित किया गया। आर्टिस्ट को मेरी तरफ से बधाई और खास ऑर्गेनाइजर ने जिन्होंने इतने अच्छे रेलेवेंट टॉपिक को चुन के ये पेंटिंग डिस्प्ले की। सर अभी यहाँ पे एक पुलिस मेला चल रहा है, इसमें आपकी एग्जीबिशन चल रही है, तो जो आपने आज यहाँ पे पेंटिंग बनाई है उसके बारे में बताइए, उसके थीम के बारे में। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर जो आप मेरी पेंटिंग्स जो है देख रहे हैं ये पेंटिंग मैंने वुमेन एम्पावरमेंट को लेके करी हुई है, जिसमें मैंने अपने गांव का रूरल एरिया का कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है। अभिनंदन कीजिए। तो यहाँ पे एक पुलिस मेला चल रहा है, तो यहाँ पे एक पेंटिंग एग्जीबिशन डिस्प्ले की गई है, इसमें आपने भी एक पेंटिंग की हुई है, तो आप हमें अपनी पेंटिंग के बारे में बताइए। ये किया कि मेरा एब्स्ट्रैक्ट में काम है, इसमें टोटली मैंने ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है आजकल उसको लेके किया है। इसमें मैंने वो अपना ज्वालामुखी वगैरह जैसे आप देख सकते हैं रेड इनसाइड, ये बेसिकली लावा का मैंने डिपिक्ट किया है, इसमें डिपिक्ट किया लावा का, और ये टोटली एब्स्ट्रैक्ट में है, इसमें ज्वालामुखी बताई हुई है। आइटम एक फोक सॉन्ग की सूरत में जिसमें डोगरी कश्मीरी लद्दाखी पहाड़ी गोजरी हर तरह की जबानों का एक मिश्रण। Oh,
आज ये पुलिस मेला जो चल रहा है उसमें एक एग्जीबिशन लगाई गई है, इसमें आपने एक पेंटिंग बनाई हुई है, अपने पेंटिंग के बारे में हम बताइए उसका थीम क्या है और इसको क्या मैसेज देना। देखिए जो हमारा 30th पुलिस पब्लिक मेला है उसमें एज अ आर्टिस्ट वी हैव रिप्रेजेंटेड अवर थॉट्स अवर क्रिएटिविटी थ्रू दिस आर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल यू सी इन माई पेंटिंग आई एम रिप्रेजेंटिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन इज सेलिब्रेटिंग हर एम्पावरमेंट। तो जैसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान है, हमारे पीएम सर ने भी इनको इनिशिएटिव लिया हुआ है। यहाँ पे पुलिस मेला चल रहा है और यहाँ पे एक एग्जीबिशन डिस्प्ले की गई है, तो आप हमें अपनी पेंटिंग के बारे में बताइए। या श्योर, पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी पुलिस पब्लिक मेला जो पुलिस वालों ने ऑर्गेनाइज किया और JKF से जिनके कोलैबोरेशन से हमें ये मौका मिला कि जम्मू में भी आर्ट का काम होता है। मैंने अपनी पेंटिंग में मदर और चाइल्ड का बताया, एक माँ और बच्चा, बच्चा और माँ, बच्चे के जीवन में सिर्फ माँ ही सब कुछ होती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो छोटा है, जब वो बड़ा हो जाता है ग्रोन हो जाता है तब भी उसके जीवन में यही है कि माँ का आंचल और माँ का सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट रहता है। और मैंने अपनी पेंटिंग में वही दर्शाया कि माँ से ही जिंदगी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैकफास की तरफ से एक एग्जीबिशन की गई है और ड्रग्स को लेके वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि ड्रग्स की जो एग्जीबिशन यहाँ पे डिस्प्ले हुई है तो जो हमारी न्यू जनरेशन है क्या उनको देख के कुछ इफेक्ट पड़ता है उनको, मतलब देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से आज के सिनेरियो में पंजाब हरियाणा एवं दिल्ली JNK में ड्रग्स की जो पकड़ी जा रही हैं, जो खेप पकड़ी जा रही हैं, एक बहुत ही मतलब चिंता का विषय है। और नेचुरली आदमी जहां ड्रग्स के पशुपेक्ष में फंस जाता है तो एक वक्त ऐसा भी आता है जहां उसको उससे निकलना भी होता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है जैकफेस का जो कि एंटी ड्रग मिशन जिन्होंने चलाया है और ये पुलिस के महकमे के सपोर्ट से जो चलाया जा रहा है, और ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और इसका इम्पैक्ट कुछ का बहुत ज़बरदस्त पड़ता है और लोगों को पता चलता है कि जिस हिसाब से हम ड्रग्स के चक्कर में हम फंसे हैं उसे निकलने का भी एक रास्ता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए एक मोटिवेशन का काम भी करता है। और पुलिस जो महकमा है और जैकफेस के सहयोग से काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट भी किए हैं कि किस तरह से हम एंटी ड्रग्स के बारे में या उसके उसका हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और ये एक बड़ा अच्छा सराहनीय प्रयास है।